हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। आप सब लोगों का स्वागत है सेवन स्टेप हिमाचल पे। तो आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे कि 7 मार्च को अलग अलग न्यूज़पेपर्स के अंदर क्या क्या न्यूज़ हम लोगों को देखने को मिली। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एआई से रिलेटेड एक न्यूज़। एआई के बारे में अभी आप लोगों ने सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वैसे भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स आजकल देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ऐसे पर्सपेक्टिव है उससे काफ़ी संबंधित है, उससे ये काफ़ी रिलेटेड है। और अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से एक माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एआई डेवलप किया गया है, वहाँ पे जो जानकारी दी गई वो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल जानकारी है। और उसी के तहत जो मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उसने जो है वो एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है कि कोई भी एआई जब तक पूरा फुली डेवलप ना हो तब तक जो है वो उसको लॉन्च ना किया जाए। तो उसी के ऊपर बेसिकली आर्टिकल है जहाँ पे यही है कि एआई रेगुलेशंस नीड ए बैलेंस्ड पाथवे। तो यहाँ पे बेसिकली इंडिया के जो हिस्टोरिकल यानी कि पुराने समय में कुछ कहानियों का जो है जिक्र यहाँ पे किया गया कि किस तरह से जब जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए किसी प्रोडक्ट का अप्रूवल लेना था तो उसको हैवी इंडस्ट्री के पास जो है वो भेज दिया गया, ये सोच के कि शायद ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो ये शायद हैवी इंडस्ट्री जो है वो इसका अप्रूवल देंगे। क्लियर। तो इस तरह से जो है वो बहुत सारे एनेक्डॉट जो है वो बड़ी सारा पुराना कि जो गवर्नमेंट या ब्यूरोक्रेसी है वो किस तरह से जो टेक्नोलॉजी उसको टैकल करती है या किस तरीके से वो फेल होती है उसको टैकल करने में, उसका जो वो शुरुआती जो दौर है उसमें जिक्र किया गया। और उसके बाद जो है वो ये कहा गया कि किस तरह से यूएसए के अंदर उसके ऊपर रेगुलेशन लेके आई जा रही है और साथ साथ में जो यूरोप है उसमें भी किस तरह की रेगुलेशन लेके आई गई हैं, और साथ में इंडिया को जब एआई को रेगुलेशन या इंडिया जब एआई को रेगुलेट करेगा तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखेगा। तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल, आप लोग जो है वो एक बेसिक पर्सपेक्टिव से जहाँ पे कैसे ब्यूरोक्रेसी जो एक बहुत बड़े हर्डल के रूप में जो है वो काम कर सकती है या हर्डल जो है वो साबित हो सकती है, तो ये आर्टिकल जो है वो कहीं ना कहीं उस जो कंसर्न है उसको बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस करता है। ट्रिब्यून के अंदर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है तो आप इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़िएगा। सेकेंड जो न्यूज़ है वो हमारी रेलेवेंट है, ये बेसिकली HPAS जनरल स्टडीज़ पेपर 2 से रिलेटेड है, जहाँ पे कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है जहाँ पे उन्होंने जो प्रिविलेजेस मिलती थी हमारे मेंबर्स को, चाहे वो पार्लियामेंट के हैं या लेजिस्लेचर के हैं अंडर आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194, वो प्रिविलेजेस अब अगर ब्राइबरी में कोई इन्वॉल्व है या वोट फॉर या कैश फॉर वोट में संलिप्त है इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ जो एक्शन लिया जाएगा, तो वो प्रिविलेजेस जो है उन स्पेसिफिक सिचुएशंस में एक्सटेंड नहीं होगी। तो ये न्यूज़ जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी रिपीटेड न्यूज़ है, पिछले 3-4 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को अलग अलग न्यूज़पेपर्स के अंदर देखने को मिल रही है। तो कोई बड़ी नई जानकारी तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो। द हिंदू के अंदर ये आर्टिकल आया हुआ है और GS2 में जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो पार्लियामेंट का हमारा हिस्सा है उसके कंटेक्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रेलेवेंट है, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट 1998 में कह चुका है कि अगर हाउस के अंदर कोई वोटिंग भी डाल रहा है चाहे वो किस मर्जी रीजन से डाल रहा है वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के अंदर आएगा और कोर्ट जब उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन अभी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना वर्डिक्ट है उसको चेंज कर दिया है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है, कल भी हमने इसका जिक्र किया था, ये बेसिकली है लद्दाख आर्टिकल 371 एंड द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कल भी मैंने जिक्र किया था क्योंकि कल भी जब होम मिनिस्टर के साथ जो है वो मीटिंग हुई थी लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव की, तो वहाँ पे सोल्यूशन ये दिया गया था कि आर्टिकल 371 जो है उसमें लद्दाख को स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाएंगी और जो 6th शेड्यूल के बेनिफिट है वो तो वहाँ पे एक्सटेंड नहीं होंगे। तो इस आर्टिकल में बेसिकली यही बताया गया कि जो 6th शेड्यूल है उसमें क्या रहता है। 6th शेड्यूल जो हमारे यहाँ पे 4 राज्यों में एक्सटेंड होता है, वहाँ पे 4 राज्यों की के अंदर एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है और उसके पास खुद का डिसीजन लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा अधिकार रहते हैं। और उसके साथ साथ आर्टिकल 371 में अलग अलग स्टेट्स को स्पेशल राइट स्पेशल अधिकार जो है वो एक्सटेंड किए गए हैं, जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नागालैंड की बात करूँगा तो अगर उनके लोकल कल्चर और कस्टम के ऊपर कोई भी लॉ जो पास किया गया है अगर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है तो वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो उसको रोक सकती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन को। तो कहीं ना कहीं जिनका कल्चर थोड़ा डिफरेंट है आर्टिकल 371 उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देता है और उसके साथ साथ उनको प्रॉपरली डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का भी मौका देता है। तो यह शेड्यूल 6 और आर्टिकल 371 के क्या क्या प्रोविजंस हैं उनसे रिलेटेड आर्टिकल है। तो ये वो आर्टिकल है जो नॉर्मली आप लोग जो इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन रीड भी करते हो तो वहां पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के तहत भी आप होपफुली इनको पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग जो इसको पढ़ लीजिए कि आर्टिकल 371 में क्या क्या प्रोविजंस और उसके साथ साथ 6th शेड्यूल के क्या क्या प्रोविजन जो हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ अगली न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलते हैं। दिव्य हिमाचल के अंदर ये न्यूज़ आई है जहाँ पे कहा गया है 4 साल में बन जाएगा चिड़ियाघर। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो जू है वो हम लोगों को डेवलप होता हुआ देखने को मिल रहा है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बनखंडी करके एक जगह है जहाँ पे 600 करोड़ की लागत से जो है वो इस चिड़ियाघर यानी कि जू जो है इसका निर्माण किया जाएगा। क्लियर। तो ये भी आपको एक प्लेसेस इन न्यूज़ है, ठीक है, बनखंडी जू जो कांगड़ा के अंदर मौजूद है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, उसको बड़ा किया जा रहा है। क्लियर, उससे रिलेटेड न्यूज़ जो आप लोगों को पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट जो है वो न्यूज़ हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, अगेन द ट्रिब्यून के अंदर ये न्यूज़ पब्लिश हुई है। नाउ एप्पल पैकेजिंग इन यूनिवर्सल कार्टन। अब देखिए ये जो यूनिवर्सल कार्टन की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली जब एप्पल की पैकेजिंग होती है तो एक टेलीस्कोपिक कार्टन होते हैं, यूनिवर्सल कार्टन होते हैं। यूनिवर्सल कार्टन में 24 kg के आसपास जो एप्पल्स को डाला जाता है और 30 से 35 kg के बीच में जो वो टेलीस्कोपिक कार्टन में डाला जाता है। तो टेलीस्कोपिक कार्टन जो वो थोड़ा सा फार्मर्स के लिए नेगेटिव नुकसानदायक रहते हैं और जो मिडल मैन होते हैं उनके लिए थोड़े से पॉजिटिव रहते हैं। तो यही कारण है कि अब सरकार ने स्ट्रिक्टली ये कह दिया है कि यूनिवर्सल कार्टन जो है वही जो एप्पल की पैकेजिंग है उसमें उनको यूज़ किया जाएगा। क्लियर। तो थोड़ी सी जानकारी है, अगेन शायद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेलिवेंट नहीं है लेकिन फिर भी हिमाचल से संबंधित है तो आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। इसके साथ साथ द हिंदू में एक न्यूज़ आई है, द प्रेजिडेंट प्रेजेंट संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। तो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जिसकी शुरुआत 1952 में की गई थी, क्लियर, उसमें जो अकेडमी फेलोज हैं उनको 3 लाख का अमाउंट दिया जाता है और जो बाकी अकेडमी अवार्ड्स हैं उनको जो वो 1 लाख का अवार्ड मनी दिया जाता है। तो आप लोगों को जो है वो यहाँ पे उनके बारे में आइडिया होना चाहिए कि किस किस को जो है वो कौन कौन सा अवार्ड दिया गया। क्लियर। तो हमारे देश की जो राष्ट्रपति जी हैं उनके द्वारा ये अवार्ड्स जो हैं वो दिए गए हैं। क्लियर। तो एक बार आप इनके ऊपर स्कैन कर सकते हो, हालांकि बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम आपको याद करना है लेकिन इसको जो एक बार पढ़ लीजिए संगीत नाटक अकेडमी के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो हमारे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर पब्लिश हुई है और न्यूज़ है व्हाई इंडिया इज बिल्डिंग ए सेकेंड रॉकेट लॉन्च पोर्ट इन तमिलनाडु। तो देखिए हमारे यहाँ पे अभी जो लॉन्चिंग पैड है जहाँ से रॉकेट्स को स्पेस में लॉन्च किया जाता है वो है श्रीहरिकोटा के अंदर आंध्र प्रदेश में। तो अभी क्योंकि सरकार ने कुछ समय पहले जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी जो स्पेस मिशन है उनमें अलाउ कर दिया है, तो अब हम लोगों को क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा श्रीहरिकोटा के ऊपर, इसके लिए जो है वो एक नया लॉन्चिंग पैड जो सरकार उसकी शुरुआत कर रही है। तो अभी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है और ये जो है वो थूथुकुडी जो कि तमिलनाडु के अंदर स्थित है और ये स्पेसिफिक जगह का नाम है कुलशेखरपट्टिनम। ये तो आप लोग ध्यान रखेंगे, पहले जो वो श्रीहरिकोटा में है और दूसरा जो है वो आप लोगों को थूथुकुडी में कुलशेखरपट्टिनम जो है वो लॉन्चिंग पैड देखने को मिलेगा। ये तो बेसिकली इसी को थोड़ा सा अगर आप लोग डिटेल में पढ़ोगे तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अब प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे आ रहा है तो और ज़्यादा लॉन्चिंग स्टेशन जो है वो लॉन्चिंग पैड जो उनकी आवश्यकता में पड़ेगी और उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो लॉन्चिंग पैड है वो नॉर्मली इक्वेटर के नज़दीक ही रहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज द हिंदू के अंदर आर्टिकल पब्लिश हुआ है, पिछले 3-4 दिनों से रेगुलरली न्यूज़पेपर के अंदर आ रहा है और ये है नेवी कमीशन्स INS जटायू MH-60R हेलीकॉप्टर्स स्क्वाडन। क्लियर। तो बेसिकली INS जटायू से रिलेटेड जो वो न्यूज़ है जो हमें अभी रिसेंटली लक्षद्वीप के अंदर लक्षद्वीप में मिनिको आइलैंड के ऊपर जो वो एस्टेब्लिश होता हुआ देखने को मिला। अगली न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलते हैं, द ट्रिब्यून के अंदर है ये बेसिकली न्यूज़। तो है नेवी रेस्क्यूज वेसल अंडर मिसाइल स्ट्राइक इन गल्फ ऑफ एडन, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए जो ज़्यादा रेलेवेंट है क्योंकि अभी आजकल आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो अरेबियन सी में जो पायरेसी रिलेटेड इंसिडेंट हमें देखने को मिल रहे हैं तो वहाँ पे इंडियन नेवी जो वो काफ़ी एक्टिवली उनको रेस्क्यू कर रही है, तो उसी रेस्क्यू का एक एग्जांपल है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने एक ज्योग्राफिकल पोजीशन देख ली, दैट इज़ गल्फ ऑफ एडन। तो आप लोग यहाँ पे एक मैप देख लीजिए, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया होना है कि जो है कि गल्फ ऑफ एडन जो है वो जैसे रेड सी है अरेबियन सी उनको कनेक्ट कर रहा है, कौन सी स्ट्रेट यहाँ पे मौजूद है, कौन कौन से देश जो है, कौन कौन सी कंट्रीज जो हम लोगों को इसके नज़दीक इसके आसपास देखने को मिलती हैं। तो इस तरह की जो जानकारी या मैप बेस्ड क्वेश्चंस है वो हम लोगों को हमारे एग्जाम में प्रीलिम्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट प्रीलिम्स स्पेसिफिक न्यूज़ है ट्रिब्यून के अंदर आई है जहाँ पे इंडिया की जो फर्स्ट अंडर वाटर टनल है उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो इनॉग्रेट किया गया और ये हुगली नदी के नीचे स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो द हिंदू के अंदर पब्लिश आई है जहाँ पे WMO यानी कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 2023 जो है वो एल नीनो का ईयर है। एल नीनो जब भी रहता है तो हम लोग देखते हैं कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल रहती है, जैसे साउथ ईस्ट एशिया की हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे हमें थोड़ा कम रेनफॉल देखने को मिलेगा और इन जनरल जो टेम्परेचर उसको ये काफ़ी इंक्रीज़ कर देती है। क्लियर। तो वैसे दो क्लाइमेटिक फिनोमेना है, एक एल नीनो है लानीना है, तो ये अलग अलग सीक्वेंस में हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे एबनॉर्मल या तो हीटिंग हो जाती है कूलिंग हो जाती है ओशनिक सरफेस के और उसका इंपैक्ट हम लोगों को पूरे का पूरा जो वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट उसके ऊपर देखने को मिलता है। तो रिसेंटली अगर आप लोग हीटिंग या गर्मी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखोगे उसका तो उसमें वन ऑफ द रीज़न ही हो सकता है, नो डाउट बाकी और भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है लेकिन ये भी उनमें से एक फैक्टर के रूप में जो वो कंसिडर किया जा सकता है। तो ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़, बाकी कल हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।